कुरवाई राजस्व विभाग की अवैध रेत परिवहन पर बड़ी कार्रवाई। विदिशा जिले के कुरवाई मल्हारगढ़ रोड पर प्रतिदिन हो रहे रेत के अवैध परिवहन पर कुरवाई राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रेत का अवैध परिवहन करते हुए कुरवाई राजस्व विभाग ने दादूदार के पास मल्हारगढ़ रोड पर 3 डंपर और 1 ट्रक को जब्त किया है। उक्त वाहनों को जब्त कर कुरवाई थाना प्रांगण में खड़ा कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक कोई लिखित कार्रवाई इन वाहनों पर स्थापित नहीं की गई है। राजस्व विभाग की कार्रवाई के दौरान वाहन चालक वाहनों को छोड़कर भाग गए थे। राजस्व विभाग के वाहन चालक वाहनों को थाना लेकर पहुंचे हैं। यह डंपर मोंगावली तहसील के अवैध रेत खदान महूटा घाट से रेत भरकर आ रहे थे। विचारणीय विषय है कि अगर यह रेत का परिवहन वैध होता तो वाहन चालक वाहनों को छोड़कर क्यों भागते। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार संदीप शर्मा, नायब तहसीलदार देवदीप सिंह गौड़, पटवारी सौरभ भदौरिया, पटवारी अमोल शर्मा, रजत यादव और दर्जनों की संख्या में चौकीदार मौजूद रहे। विदिशा से आशीष सहेली की रिपोर्ट। आपके द्वारा जो डंपर और ट्रैक्टरों की जब्ती की गई है वो किन कारणों से और क्या करते पाए गए हैं? जो डंपर और जो ट्रैक्टर पकड़े गए हैं वो रेत का अवैध उत्खनन करते हुए पाए गए हैं और ओवरलोड थे। इन्हें जब्त करके अभी रख दिया गया है और इनका प्रतिवेदन आगे भेजकर इन्हें एसडीएम साहब के माध्यम से जिले में भेजा।